देखो एनाफेज में भी दो पार्ट मिलेगा तुम्हें, अर्ली और लेट। तो पहले एनाफेज जान लेते हैं, फिर अर्ली लेट जानते हैं, ठीक है? नेटवर्क थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, आस्था नेहा, बिल्कुल। तो माइटोसिस एनाफेज, ठीक है, देखो क्या होता है। एक तो छोटे से दिखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो ये है, यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट था, यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे, ये क्या था कॉन्टिन्यूअस, ये क्या था कॉन्टिन्यूअस, और हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स यहीं पे अटैच थे और उससे स्पिंडल लगा हुआ था। अब एनाफेज, एनाफेज में क्या हुआ कि अब जरा मेटाफेज वाला डायग्राम देखो और उसके बाद इस डायग्राम को देखो और मेरे को बताओ डिफरेंस क्या है। पहले हम दोनों के सिर एक दूसरे से दूर दूर थे, मैं यहां खड़ा था, मेरे सामने वाला बंदा यहां खड़ा था। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोगों का सिर अटैच हो गया, देखो अटैच हो गया ना। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर स्टेप्स दिखाते हैं। यहां पे होता क्या है कि प्रोफेज में जब सब कुछ हो गया और मेटाफेज में जब अरेंजमेंट हो गया, तो ऐसे वाला जो क्रोमोसोम्स था इसको ऐसे खींचा जाने लगा। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे ऐसे इसको खींचा जाने लगा, ठीक है? जब स्मार्ट बोर्ड पे जाऊंगा तो दिखाऊंगा तुम्हें। तो ये ऐसे जब खींचा जाने लगा तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इसका अपोज करने लगे, विरोध करने लगे। ये बोले नहीं, हम जो ऐसे दो हैंड है ना, ये बोलने लगे कि हम अलग नहीं होंगे, लेकिन भाई फोर्स ज्यादा है। तो उसने खींच के अलग करने की कोशिश की, और जब खींच के अलग करने की कोशिश की तो दोनों का सिर और पैर ऐसे चिपक गया, कह रहा है कि हम अलग नहीं होंगे। अब देखो ये ऐसे हो गया, ये क्रोमोसोम ऐसे चिपका हुआ है और ये दोनों स्पिंडल है, ये ऐसे खींच रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब अच्छे से फोर्स लगाएगा तो खींच के अलग भी कर देगा। तो अब जब इसको तुम देखोगे तो यहां पे जब क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता कि क्रोमोसोम को आप खींचेंगे और अलग हो जाएगा, बहुत फोर्स चाहिए। तो यहां पे इनके बीच में भी कुछ स्पिंडल होते हैं, यहां पे भी इस क्रोमोसोम के बीच में भी स्पिंडल होता है, और इस क्रोमोसोम के बीच में जो स्पिंडल होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? पहले मुझे बताओ कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से बताओ कमेंट में, मैं बहुत आसान बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को। नेटवर्क इशू हो रहा है, चलो। तो यहां पे अब देखो होता क्या है, सबसे पहले बोथ क्रोमोसोम्स पुलिंग टुवर्ड्स पोल। देखो जो क्रोमोसोम्स हैं इनको किधर खींचा जा रहा है, पोल की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट लिख दिया कि बोथ क्रोमोसोम्स आर पोलिंग टुवर्ड्स दी पोल्स। तो सबसे पहले जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं उनको किधर खींचा जाने लगा, पोल्स की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहा है, यहां पे हमें एक ये वाला फाइबर मिल गया, स्पिंडल फाइबर। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्पिंडल फाइबर इसमें रोल कर रहे हैं।
तो कौन कौन से स्पिंडल फाइबर काम कर रहे हैं? एक तो इसमें कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ध्यान से समझो जो बताया जा रहा है। दूसरा जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। यहां तुम्हें तीसरा एक और मिलेगा, अभी तक तो दो ही पढ़ा ना, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, एक और यहां पे मिल रहा है। देखो इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में भी एक क्रोमोसोम, एक स्पिंडल है। जैसे पिज्जा, पिज्जा देखो, तुझ खाने की बात होगी तुम लोग का दिमाग चलेगा। पिज्जा ऐसे तोड़ते हो, बीच में से चीज होता है ना, चीज ब्रस्ट ऐसे ऐसे चिपका रहता है, अलग करते हैं। वैसे ही जब यहां से क्रोमोसोम तोड़ रहे हैं तो उनके भी बीच में पिज्जा के चीज जैसा क्रोमोसोम दिखाई, वो स्पिंडल दिख रहा है। इसको बोलते हैं इंटर जोनल स्पिंडल फाइबर। अच्छे से आनंद लेकर के पढ़ो, मजा आ रहा है पढ़ने में कि थक गए तुम लोग? आज की क्लास तो इतनी अच्छी मिल गई हम लोगों को, तो पढ़ना है अच्छे से। तो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, दिस इज द थिंग। तो तीसरा स्पिंडल फाइबर यहां पे मिला है। मजा वजा आ रहा है तुम लोगों को? क्या बोर हो रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? थक गए क्या कर रहे हो? ठीक है, समझा दिया यहां तक मैंने। नेटवर्क तो बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं है, पैर में भी नहीं है किसी के। तो ये है, एक एक चीज बता रहा हूं इसीलिए आराम से, ताकि तुम लोग समझ जाओ। ऐसा पढ़ लो कि फिर दोबारा जाना ना पड़े उधर साइड। तो बोथ क्रोमोसोम्स पुलिंग टुवर्ड्स द पोल। अब भाई कौन खींच रहा है उनको? कोई खींचेगा तभी तो जाएंगे। तो स्पिंडल फाइबर खींच रहा है। कौन सा वाला? कॉन्टिन्यूअस वाला नहीं खींच रहा है, वो बस ऐसे ही बैठा हुआ है। डिसकॉन्टिन्यूअस वाला खींच रहा है। अब डिसकॉन्टिन्यूअस वाला अकेले नहीं खींच सकता, क्यों? टूट जाएगा वो, खींचेगा उसको ना, यहाँ से टूट जाएगा, कुंडी भी टूट जाएगी, काइनेटोकोर भी सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर याद है? हाँ। तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, अब इसके बाद इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर यहां पे हैं, जिनके ऊपर पूरी कहानी बेस है। अभी नहीं पे भैया, अब इंटरजोनल जो डिसकॉन्टिन्यूअस वो कहता है कि इंटरजोनल वाले तुम ही हेल्प कर दो हमारा, तो ये अंदर से इसको ऐसे पुश कर रहा है। देखो इंटरजोनल क्या कर रहा है, इंटरजोनल भी इनको पुश कर रहा है, इधर वाले को इधर पुश कर रहा है, इधर वाले को इधर पुश कर रहा है, ताकि ये इजिली इसको खींच सके, ताकि इजिली इसको खींच सके। बात समझ में आ रही है? तो इंटरजोनल जो है ये हेल्प करता है यहां पे पुश एंड पुल थ्योरी लगती है। देखो बेटा यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है पुश एंड पुल की थ्योरी कहां लगती है। यहां पे पुश एंड पुल की थ्योरी लग रही है, बहुत ध्यान से पढ़ लो भाई, आप भी जान पे खेल के पढ़ रहे हो और हम लोग तो जान पे खेल ही रहे हैं। जान से नहीं खेल रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं, बहुत अंतर है। तो पुश एंड पुल थ्योरी, तो पुश एंड पुल की थ्योरी यहां लग रही है। कौन पुश कर रहा है, कौन पुल कर रहा है, जरा कमेंट में बताओ, देखे तुम लोग क्या समझ रहे हो, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। सक्रिय स्टूडेंट्स, जो एक्टिव स्टूडेंट्स है ना, उनके साथ पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप स्क्रॉल हो रहा है ना सामने, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे स्क्रॉल हो रहा है। हाँ, टाइप है। तो पुश एंड पुल क्यों कर रहा है? तो बिल्कुल सही बताया आपने, पुश देखो कैसे हो रहा है, पुश इसको कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं जाओ ना, डोर पे लिखा होता है पुश इट पुल इट, तो कई लोगों को शायद कंफ्यूजन होता है, तो वो पुल को पुश कर देते हैं, पुश को पुल कर देते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। तो पुश का मतलब है ऐसे ढकेलना, तो पुश कौन करेगा? इंटरजोनल। तो इंटरजोनल फाइबर
इंटरजोनल फाइबर जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटरजोनल, ये जो है ये पुश के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इंटरजोनल क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ये क्रोमोसोम को कह रहा है कि नहीं तुम उधर जाओ, इस वाले को कह रहा है तुम इधर जाओ। और डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस क्या करता है? पुल, वो पुल कर रहा है, वो इसको खींच रहा है, चलो इधर चलो, है ना। तो पुश एंड पुल की थ्योरी यहां पे लगती है और बिना इसके ये काम नहीं हो सकता। तो पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट हियर। अच्छा और क्या हो रहा है भाई? तो ये तो काइनेटोकोर है, इसी काइनेटोकोर से अटैच्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है सबको। तो मैंने क्या क्या बता दिया? मैंने बताया कि जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होगा, चूंकि क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे पहले से अरेंज थे, तो स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगी। अच्छा अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों पुश एंड पुल कर रहे हैं, क्या समस्या है इनको? न खींचे भाई, इसको इतना खींचने की क्या जरूरत है, न खींचे। ध्यान से देखिए, जो ये स्पिंडल फाइबर है, जो ये स्पिंडल फाइबर है, इन पे अगर ध्यान दो, तो तुम्हें बताया था कि G1 और S फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ था। तो यहां पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनी थी, ट्यूब्यूलिन मैं लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं। तो इसी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से स्पिंडल बना हुआ है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर की जो साइज है ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ती है, कम होती है, और ये पूरा खेल इसी का है। डिसकॉन्टिन्यूअस की साइज कम, ध्यान दो, जब डिसकॉन्टिन्यूअस की साइज कम होगी तो ये क्या करेगा? खींचेगा। डिसकॉन्टिन्यूअस की साइज क्या हो रही है? कम, तो ये क्या करेगा? खींचेगा। और इंटरजोनल की साइज क्या हो रही है? ज्यादा, तो ये क्या करेगा? ढकेलेगा। देखो यहां पे इसकी साइज बढ़ रही है और इसकी साइज घट रही है, ये याद रखना है। तो पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये पुल क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी साइज क्या हो रही है? घट रही है। इसकी साइज क्या हो रही है? डिसकॉन्टिन्यूअस की घट रही है। तो इनकी साइज बढ़ने और घटने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको बता दिया। अब बात यह आता है कि ये अर्ली एनाफेज है कि लेट एनाफेज है। तो ये अर्ली एनाफेज है, ये अर्ली एनाफेज है। अब चलेंगे लेट एनाफेज में। आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे, मेटाफेज में प्रोफेज में तो एक बार बता दिए थे और बोले कि अर्ली लेट और मिडिल हो जाएगा। मुझे इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप रहते सामने तो फिर आप लोग बोलते, आप लोग नहीं है तो आप लोगों की भी बात को हम ही को बोलना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोफेज में तो ठीक था, इजिली पढ़ लिया ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अर्ली और लेट में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये अर्ली एनाफेज है, जल्दी करो तो लेट एनाफेज पे चलें जल्दी से, ठीक है। लेट एनाफेज, कमेंट देखने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। चलो तो अर्ली एनाफेज हो गया, अब लेट एनाफेज मिटा देते हैं इसको, ठीक है। इतनी लिखी हुई चीजें मिटाते हैं। देखो भाई अभी हमने सीखा, यहां छोटा सा बनाना पड़ेगा, कि ऐसे ऐसे ये क्रोमोसोम्स क्या थे, अरेंज हो गए थे, यही हुआ था ना, हल्का हल्का। अब देखो लेट एनाफेज में क्या होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट है, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये हो गया स्पिंडल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां पे बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेजिक प्लेट से खींच लिए गए, क्योंकि यहां पे ये पुल कर रहा था, ये पुश कर रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो क्रोमोसोम जो है
वो इस पे ऐसे 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 अटैच हो गया। ऐसे ऐसे और धीरे धीरे ये क्रोमेटिन जो जो स्पिंडल फाइबर है ये छोटा होते जा रहा है और ये सब सिकुड़ करके धीरे धीरे वापस खींच रहा है, जैसे वो स्पाइडरमैन वाला देखा है ऐसे फेंकता है ऐसे जाला नेट, ऐसे किसी चीज को अटैच करने के बाद ऐसे वापस खींचता है, जब वापस खींचता है तो वो चीज वापस आते 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 यहाँ पहुंच जाती है। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये स्पाइडरमैन की तरह से स्पिंडल फाइबर फेंक दिया, फिर वहां से स्पिंडल को वापस खींच रहा है, ये चारों स्पिंडल धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएंगे, ये भी यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो टेलोफेज में, यहाँ अभी इतना ही होगा। तो लेट एनाफेज में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स मूविंग अवे फ्रॉम मेटाफेजिक प्लेट। देख लो क्रोमोसोम मूविंग अवे हो गया कि नहीं मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है तो हमने क्या सीखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम द मेटाफेजिक प्लेट, क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेजिक प्लेट से दूर जा रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्पिंडल बिकम्स SHORTER, शॉर्टर, मतलब शॉर्टेस्ट लिख देते हैं SHORTEST, थके नहीं ना, समझ के पढ़ना। तो स्पिंडल फाइबर बिकम्स शॉर्टेस्ट। अच्छा और अब जरा इंपॉर्टेंट चीज आ गया है यहां पे, क्रोमोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, नंबर डबल, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। कैसे कैसे डबल हो गया, शुरू में कितना दिख रहा था, चार, अभी कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइटोसिस में क्या होता था, शुरू में ही बताया कि अगर चार क्रोमोसोम है तो एक से दो सेल बनेगी और दोनों में कितने क्रोमोसोम आएंगे, चार। तो दिमाग में यह आता था कि यार ये चार से चार चार कैसे बन गया, तो यही आंसर है, चार पे शुरू हुआ था, एक से दो सेल बनेगी, एक सेल इधर बनेगी, एक सेल इधर बनेगी, चार इसके पास क्रोमोसोम आएंगे, चार इसके पास क्रोमोसोम आएंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया यहां पे, डबल हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे डबल है, एक चीज। एक और चीज देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब यहां पे डबल हो चुका है तो क्रोमोसोमल शेप, यहां पे एना, ये जो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज है और एनाफेज का जो लेट फेज है, उस लेट एनाफेज में हमें क्रोमोसोमल शेप दिखाई देता है, यानी क्रोमोसोम का एक शेप दिखाई देता है। कैसा शेप, यू वी एल जे, ऐसे शेप्स दिखाई देते हैं। देखो यहां पे एल वी है ना, जे है ना, तो यू वी एल शेप। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल है, मान लो कोई ऐसे एक छड़ी है थोड़ी सी फाइबर टाइप की और उसको रस्सी से बांध के हम खींच रहे हैं,
तो किसी ये छड़ी है, इसको बीच से ऐसे रस्सी से बांध के खींचेंगे तो ये हो सकता है कि अगर कमजोर टाइप का है तो बीच में से झुक जाएगा, एकदम स्ट्रेट तो रहेगा नहीं, थोड़ा झुक जाएगा। तो जब ये झुकेगा तो इसका शेप वी शेप हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि रस्सी बांधी कहाँ गई है। अगर बिल्कुल बीच में बांधी गई है, ज्यादा झुक गया तो वी बन गया, कम झुका तो यू बन गया, थोड़ा और किनारे रस्सी बंधी हुई है तो एल बन गया, है ना। तो इसमें अलग अलग शेप देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आ गया तो यस सर लिख के भेजो जल्दी से, यस सर या क्लियर सर लिखो, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया है? चलो, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अलग अलग शेप्स बन जाते हैं, जैसे यू शेप है, वी शेप है, एल शेप है ना, और जे शेप है। ये डिफरेंट टाइप के शेप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब एनाफेज, चूंकि एनाफेज तो कंप्लीट हुआ अर्ली और लेट, अब इसके बाद क्या होगा? टीलोफेज। तो चलते हैं टीलोफेज की तरफ, लेकिन कुछ बात आपको बताते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट। देखो, बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई छड़ी है और ये बीच से रस्सी बंधी हुई है, तो जब ये इसको खींचेंगे और प्रेशर पड़ेगा तो ऐसा हो सकता है ना कि ये ऐसे मुड़ जाए, तो इसलिए ये वी शेप में आ गया। इसी तरह से अगर ये मुड़े तो यू शेप हो जाएगा, एल शेप हो जाएगा, जे शेप हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के शेप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात आगे चले। अब देखो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये चार तरह के होते हैं। एक क्रोमोसोम होता है जिसमें उसका सेंट्रोमियर एकदम किनारे होता है, एक क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे होता है, एक होता है जिसमें थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, और एक होता है जिसमें बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक, सेंट्रोमियर समझते हो ना। तो ये चार प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, ए वाले, बी वाले, सी वाले और डी वाले। ये चार तरह के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, अब जरा मुझे नाम बताओ, ए वाला क्या है, बी वाला क्या है, सी वाला क्या है, डी वाला क्या है? वाह भाई, आस्था ने बता भी दिया, वेरी गुड। हाँ, अटैच जहां पे होगा स्पिंडल फाइबर उस पर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो जहां पे सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। तो डी वाला मेटासेंट्रिक हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो दो तो मैंने आपको बता दिया, अब बचा है ए और बी। अब मुझे ए और बी का नाम बताइए जल्दी से, ए और बी का नाम क्या होगा? देखिए कौन सा स्टूडेंट सही सही बताता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बता दिया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, फिर टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये चार तरह के स्ट्रक्चर्स बेसिकली
होते हैं। तो ये हमें याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछे आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। चलो सबके आंसर आ गए, अब मैं आगे चलता हूं। तो यहां तक हमने सीखा एनाफेज का कौन सा फेज, लेट फेज। अब हम लोग चलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज की तरफ। चलो बच्चों टीलोफेज। तो अगर हम लोग प्रोफेज जान लिए, मेटाफेज जान लिए, एनाफेज जान लिए, अब क्या जानना है टीलोफेज। देखो टीलोफेज में बेसिकली क्या होता है कि ये जस्ट अपोजिट होता है, टीलोफेज जो है वो अपोजिट होता है प्रोफेज का। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा कर दो। तो प्रोफेज में क्या हुआ था, सब कुछ गायब हुआ था, याद है, उसका अपोजिट कर दो। तो टीलोफेज में क्या होगा, ये सेंट्रियोल्स हैं, तो सारे स्पिंडल फाइबर तो इसमें वापस चले गए, क्रोमोजोम्स यहां पहुंच गए, चारों चार क्रोमोजोम यहां पहुंच गए, मेम्ब्रेन तैयार हो गई, न्यूक्लियोलस बन गया और न्यूक्लियोप्लाज्म बन गया, और ये तो साइटोप्लाज्म था ही। तो बेसिकली यहां पे सेल मेम्ब्रेन है ही है, साइटोप्लाज्म भी है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एज यूजुअल, एज पहले जैसे थी वैसे ही है। क्या क्या आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम, ये चार चीजों पे ही मतलब है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, यही न्यूक्लियस का डिवीजन होना था जो कि हो गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, रीअपियर हो गया, फिर से आ गया, दिखने लगा। न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, रीअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा और वापिस आ जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये रीअपियर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से वापिस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इनके मिलने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गई थी। तो जब ये एक दूसरे से अलग हो के, साइटोप्लाज्म अलग हो गया और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, कम। तो टीलोफेज में जाने के बाद सेल के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ था इसीलिए उस टाइम पे क्रोमोसोम को देखना आसान था, ये पूछा जाता है कई बार। और क्रोमोसोम क्या हो गए, फिर से बाउंड हो गए, पैक हो गए, पहले फ्री हो गए थे ना, फ्री होने के बाद इतना कुछ किया, फिर से पैक हो गए। तो ये एक तरीका था, अर्ली टीलोफेज में बोलोगे कि ये सब हो रहा है और लेट टीलोफेज में बोलोगे कि ये सब फाइनल हो गया। तो ये तरीका था कैसे माइटोसिस हो रहा है। जरा एक बार जल्दी से क्विक रिकैप देखो, फिर हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक।
तो यहाँ जो एक बार कोई क्विक रिकैप देखें फिर जल्दी से आगे चलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या था, माइटोसिस का प्रोफेज क्या था, ठीक इसका अपोजिट था, फिर मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, और टीलोफेज में दोनों तरफ जो क्रोमोसोम्स टूटे थे वो वापस आ जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल, मतलब इनके पास जो है वो मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा और क्रोमोसोम पैक हो जाएंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी डबल है, सेल ऑर्गेनल अभी भी डबल है, तो सेल को भी आराम नहीं मिला है। सेल अब कहेगी कि क्या न्यूक्लियस तो डिवाइड कर दिए, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करो जल्दी से, इस सेल को कितना कर दो, दो। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ है, अब चलेंगे देखने साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस, देखो बेसिकली जो साइटोकाइनेसिस है ये तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये दोनों में सेम होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। साइटोकाइनेसिस जो है ना ये दोनों में सेम होता है, ठीक ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं कमेंट देख रहा हूं सबके, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी जरूर करूं, हम अपनी तरफ से कभी मना नहीं करते किसी चीज के लिए, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो भी बच्चे चाह रहे हैं हम बिल्कुल उसको पूरा कर सकें। तो बच्चों मैं बता रहा था कि जो माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ये साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या होता है कि चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, साइटोप्लाज्म को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है ना वो बेसिकली सब में सेम होता है। तो तुम एक बार पढ़ लोगे सब में काम करेगा, ठीक है, तो इसको समझ लो। और एक चीज और बताना है मुझे, वो अगर आज समय हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि मेटोसिस आज कंप्लीट हो जाता तो अच्छा था, तो चलो जल्दी से इसको कवर करते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है ना वो एनिमल में अलग होता है और प्लांट में अलग होता है। पहले किसका पढ़ लो, पहले एनिमल का पढ़ लो। देखो एनिमल के सेल में क्या होता है कि मान लो ये एनिमल है, मान लो ये अमीबा है, कोई भी एनिमल है, तो ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एनिमल सेल में बहुत आसान होता है, तो पहले एनिमल ही पढ़ लो। ये दो न्यूक्लियस है, ये इनका साइटोप्लाज्म है। तो एनिमल सेल में बेसिकली क्या होता है कि इनके पास यहाँ पे, मैंने जब फीजन पढ़ाया था तो वहां पे भी बताया था अमीबा में, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोटीन, या फिर इसको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। अब इस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की खासियत है कि इसकी वजह से ही ये डिवीजन हो पाएगा, क्योंकि अगर ये प्रोटीन नहीं रहेगा तो डिवीजन नहीं हो पाएगा भाई, तो ये रहना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है, अगर ये ना रहे तो बहुत दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा वो भी बताएंगे। तो अब ये प्रोटीन क्या करता है, ये दीवार पे ऐसे अटैच हो जाता है जो सेल मेम्ब्रेन है ना उस पे, और अटैच होने के बाद इसको खींचने लगता है। तो जब इसको खींचेगा तो अपीयरेंस कुछ ऐसा आएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और बीच में ये दबने लगेगा। दबेगा कि नहीं, ये ऐसे गड्ढा बनेगा कि नहीं, देखो बनेगा ना, बनेगा ना, बोलो यस सर। इसको बोलते हैं फरो, FURROW, फरो गड्ढा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि फरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस किसमें होता है, आपका आंसर क्या होगा, एनिमल। फरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस किसमें होता है, एनिमल में। फरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस किसमें होता है, एनिमल में। प्लांट तो अभी नहीं पढ़ा रहे ना, तो उसकी बात तो करनी नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर प्लांट में कैसे होता है, बेटा जब पढ़ेंगे तो जान लेंगे,
जो पढ़ो उसी पे फोकस करो, ताकि वो इतना बेहतर हो जाए ना कि दोबारा फिर दिक्कत ना हो। तो एनिमल में फरो फॉर्मेशन हो रहा है, फरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस, और वो कौन करा रहा है? वो करा रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन को हटा दे कोई मामला नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियस डिवीजन पे डिवीजन करेगा, डिवीजन पे डिवीजन करेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो फरो बन गया। अब ये जरा देखो कि ये सेंटर की तरफ खींच रहा था या सेंटर से दूर? सेंटर की तरफ खींच रहा है। जरा फिजिक्स लगा दो, सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करो, देखें किसकी फिजिक्स अच्छी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखें किसकी फिजिक्स अच्छी है। अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया। देखें देखिए देखें कौन बताता है सबसे पहले। अभी सब चुप बैठे हैं, कहेंगे कि सर नेटवर्क डाउन है। सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो जब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल, ठीक है? तो जल्दी से बता दो, थोड़ी देर की क्लास और है, बस 2-4-5 मिनट में क्लास अपनी कवर हो जाएगी, तो जल्दी से बस इसको कवर करना है। इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप सबको चाहिए कि ये सब ध्यान रखें, ठीक है? तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, और जब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो सेंटर की तरफ जब फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपी फोर्स, है ना? तो ये पेपर में पूछा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सीपी फोर्स लग रहा है, ये भी जरूरी है ना, अगले वाले में पढ़ाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये बता रहे हैं। तो सीपी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे खींच के फरो बनाएगा, और इसको अगले स्टेप में ये ऐसे न्यूक्लियस ऐसे टूट गया, हो गया एनिमल का साइटोकाइनेसिस, खत्म काम, ये दो सेल बन गए। तो एनिमल में साइटोकाइनेसिस में ज्यादा झंझट नहीं है, मैं थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूं। एनिमल के साइटोकाइनेसिस में ज्यादा लफड़ा नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है। एनिमल के साइटोकाइनेसिस में ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनिमल के साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि बेसिकली बेसिकली एनिमल के साइटोकाइनेसिस में केवल तुम्हें ये याद रखना है कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का मामला, और उसके बाद फरो फॉर्मेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, और फिर ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? चलो प्लांट का बता दें। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? पहले ये सर लिखो, जल्दी से बता दो, फिर जल्दी से बता दो, खत्म करें कहानी। चलो सबको यहां तक क्लियर है ना? जल्दी से बस लास्ट पॉइंट प्लांट का देख लो, खत्म करें तुम लोगों की कहानी। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है कि मान लो ये प्लांट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है? तो प्लांट में ये न्यूक्लियस है। अब जरा इसको ध्यान से देखोगे तो प्लांट में बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोटीन नहीं है इसके पास, कॉन्ट्रेक्टाइल। तो यहां पे एक ऐसे स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये गोल्गी बॉडी कराता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, 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 और यही फ्रेगमोप्लास्ट आगे चलकर बनाता है सेल प्लेट। क्या बनाता है? सेल प्लेट। और जब ये सेल प्लेट बनाता है तो एक दूसरे को देखो अपोजिट ढकेल रहा है, यानी सेंटर से दूर ढकेल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहां उल्टा फोर्स लग गया, उधर सेंटर की तरफ खींच रहा था, यहां सेंटर से दूर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां देखो उल्टा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अवे होते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और उसकी वजह से फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, दो सेल्स न्यूक्लियस के साथ टूट के अलग हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पे जो हमको समझना चाहिए,
ठीक है, तो ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक, तो ये मैंने यहां तक आपको बता दिया। अगली क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मियोसिस का क्या मामला है और चीजें। यहां तक आपने सीखा, इसको खूब मन लगा करके पढ़िए, लाइक जरूर कीजिएगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।